आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और सभी यहां पर उपस्थित लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है, यानी बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में BVCI बोलते हैं, उसके तहत एक हम लीजेंड लीग ट्रॉफी करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक अलग ऊंचाइयों का क्रिकेट यहाँ पर हुआ। मैं आपको अपने बोर्ड के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि बोर्ड हमारा ये है क्या। ये जो बोर्ड है BVCI, ये सन 1998 में जो हमारे पुराने खिलाड़ी, यानी हमारे जो शान रहे थे श्री चेतन चौहान जी, उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया था 1998 में। यानी आज 2023 में इस बोर्ड को 25 वर्ष हो गए हैं और हम इस 2023 को अपने बोर्ड का सिल्वर जुबली वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उसी के तहत हमने अभी गाजियाबाद में एक ऑल इंडिया डबल विकेट क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और एक हम सितंबर में अपनी प्रीमियर लीग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेटरन प्रीमियर लीग। उससे पहले इसी बोर्ड के अंतर्गत एक हम लीजेंड लीग करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, लीजेंड ट्रॉफी, जिसमें ये हमारा बोर्ड, इस बोर्ड में हमारे सभी खिलाड़ी 40 साल से ऊपर के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और ये वो चेतन चौहान जी का जो सपना था, वो ये सपना था 1998 में जो उन्होंने सोचा था कि भाई इस बोर्ड के तहत जो भी खिलाड़ी खेलेंगे उनकी एज 40 से ऊपर होनी चाहिए। पहले 35 थी, पिछले हमारे बोर्ड की मीटिंग में इसको 35 से 40 कर दिया गया। लगातार ये बोर्ड उसी प्रकार से काम करता है जैसे BCCI काम करती है। पूरा ऑल इंडिया में हमारा स्ट्रक्चर है, 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, पूरे ट्रेजरर, पूरा हमारा जोन में बटा हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे मैचेज होते हैं, इंटर स्टेट मैचेज होते हैं, एंड फिर इंटर जोनल मैचेज होते हैं, देन फिर ऑल इंडिया होती है। एवरी ईयर इसको होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये पिछले 2 साल से नहीं हुआ था। इस साल हमारा ऑल इंडिया चैंपियनशिप गोवा में हुई थी, जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो हमारे पैट्रन भी हैं, वो उसमें शामिल रहे थे। एक बात और आपके बोर्ड के बारे में बता देता हूँ कि हमारे इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो श्री चेतन चौहान जी थे, लेकिन कोरोना काल में उनके अचानक चले जाने के बाद जो हमारे पैट्रन, हमारे देश के यशस्वी मंत्री श्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो लगातार हमारे पैट्रन थे, उनसे हमने अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज की तारीख में वो हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। यानी हमारे BVCI के प्रेसिडेंट माननीय श्री नितिन गडकरी जी हैं। मैं उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी कार्यभार मैं संभालता हूँ। उसी बोर्ड के अंतर्गत ये हमारी लीजेंड्स लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीजेंड्स लीग में ये गाजियाबाद में आयोजित हो रही है, जो 22 मार्च से 30 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हमारे उस प्रकार के लीजेंड हैं जिनको देखने के लिए हमारे भारत के बच्चे चाहते हैं कि उनको हम खेलता हुआ लगातार देखते रहें। उसमें हमारे जो वेटरन प्लेयर लगातार बोर्ड खेलते हैं, हमारा जो बोर्ड की क्रिकेट खेलते हैं, उनका एंड लीजेंड खिलाड़ियों को मिक्स करके ये हमने लीजेंड लीग कराने जा रहे हैं, जिसका आयोजन जो गाजियाबाद में हो रहा है, जिसके लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। इससे ज़्यादा इसमें बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो पुराने हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हमारे डेस्क पर बैठे हैं श्री वीरेंद्र सहवाग जी, आप सभी इनका नाम को जानते हैं अच्छे तरीके से, उसमें ये भाग ले रहे हैं, सुरेश रैना भाग ले रहे हैं, हरभजन सिंह भाग ले रहे हैं, यानी काफ़ी खिलाड़ी बाहर से भी काफ़ी खिलाड़ी आ रहे हैं, दिलशान आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। और जो हमारे इंडिया के वेटरन प्लेयर्स हैं, जो कभी इंडिया नहीं खेल पाए लेकिन अच्छा खेलते थे, उनको इनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। ये हमारी जो है लीजेंड लीग 2023 का एक टोटल मैटर है। बाकी जो भी आप